नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, कानों से मैल निकालने का सही तरीका आप भी जान लीजिए। भूल करके भी सेफ्टी पिन प्रयोग ना करें। जी हां, कान की गंदगी। कान हमारे शरीर का एक बेहद संवेदनशील अंग है। इसके साथ कुछ भी ऐसा ना करें कि आपको लेने के देने पड़ जाएं। कान में मैल जम जाना या खूंट हो जाना एक सामान्य बात है। इसे ईयरवैक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह सच है कि कई घरेलू उपायों से सावधानी बरतते हुए खूंट को साफ किया जा सकता है, लेकिन इस काम को एहतियात के साथ करना अनिवार्य है। अगर खूंट बहुत कड़ी होकर जम गई हो तो बेहतर है कि इसे निकलवाने आप डॉक्टर के पास ही जाएं। कान को लेकर किसी भी तरह का जोखिम उठाना भारी पड़ सकता है। कान की खूंट को सेरुमेन के नाम से भी जाना जाता है। यह जेल जैसा ल्यूब्रिकेंट होता है जो डेड सेल्स से बना होता है। इसके अलावा इसमें फैट और सूक्ष्म बाल भी होते हैं। हालांकि ईयरवैक्स कानों की सुरक्षा के लिए होते हैं, लेकिन जब यह बहुत ज्यादा जमा हो जाता है तो सुनाई देना कम हो जाता है। कई बार इसकी वजह से कान दर्द और संक्रमण का भी खतरा हो जाता है। यह एयर ड्रम को भी ब्लॉक कर देता है। ईयरफोन जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करने और बार बार एयरबड का इस्तेमाल करने से कानों में खूंट अंदर की ओर जमा हो जाता है। इससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए आइए जानते हैं किन घरेलू उपायों से आप कान की खूंट को साफ कर सकते हैं। कान की खूंट साफ करने का यह सबसे पुराना तरीका है। कान में एक या दो बूंद बादाम का तेल डालकर सिर को उसी दिशा में मोड़ कर रखें। 5 मिनट तक इसी अवस्था में रहने दें, फिर खूंट मुलायम हो जाएगी और आराम से बाहर निकल आएगी। इसके अलावा बादाम के तेल की ही तरह सरसों का तेल भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, पर सरसों के तेल की गुणवत्ता उच्च होनी चाहिए। तेल के इस्तेमाल से खूंट ढीली पड़ जाती है और आसानी से बाहर निकल आती है। बादाम के तेल और सरसों के तेल की ही तरह बेबी ऑयल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको यकीन हो कि आप ईयरबड का सही इस्तेमाल कर लेंगे तो ही खूंट को बाहर निकालने की कोशिश करें, वरना चिकित्सक के पास जाएं। कई लोग कान की खूंट साफ करने के लिए सेब के सिरके और हाइड्रोजन पराक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ भी इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। ऐसा न हो कि सही करने के चक्कर में कुछ गलत हो जाए। इसके साथ साथ कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि कान में कुछ भी डाल लेते हैं, जैसे कि हेयर पिन, माचिस की तिल्ली, सेफ्टी पिन। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। आप माचिस की तिल्ली या सेफ्टी पिन कान में न डालें, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने जो आपको कॉन्फिडेंट न हो जिस चीज पर, उसके लिए आप चिकित्सक या जानकार की सलाह के बाद ही या उनकी निगरानी में ही उस कार्य को अंजाम दें तो बेहतर होता है। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।